दोस्तों, यह है इस किले की सबसे डरावनी जगह जो देख सकते हैं। अंदर चमगादड़ों का राज है और बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ जिन्नात का बसेरा भी होता है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ फिरोज शाह तुगलक किला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में स्थित है और ये तुगलक वंश का तीसरा किला है। यानी गयासुद्दीन तुगलक ने एक किला बनवाया था, दूसरा आदिलाबाद किला जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और तीसरा किला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक किला। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। यह है इसकी मेन एंट्री और देख सकते हैं कितना खूबसूरत किला है। तो ये देख सकते हैं आप, हम एंटर हो चुके हैं अंदर। तो चलिए मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। दोस्तों, हमने एंट्री कर लिया है और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कितने ज़्यादा खंडरात यहाँ पे मौजूद हैं और कितना खूबसूरत देखने में ये लग रहा है दोनों तरफ से। तो ये है यहाँ का फर्स्ट लुक। दोस्तों, फाइनली मैं किले के अंदर आ चुका हूँ और ये देख सकते हैं आप, ये है फिरोज शाह तुगलक किला। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के तीसरे राजा थे। पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलकाबाद किले को बसाया था, और उनके लड़के मोहम्मद बिन तुगलक, उसने आदिलाबाद किला बसाया था। और यह है फिरोज शाह तुगलक किला, जो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। तो वो जो दो किले थे उसमें पानी की कमी थी, तो मेहरौली में आप जानते हैं ये पानी की कमी आज भी है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इस किले को, यानी फिरोज शाह तुगलक किला को बसाया गया था, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे पर है। दोस्तों, यह है यहाँ का पहला पॉइंट जिसका नाम है रॉयल्स ऑफ पैलेस। यहाँ फिरोज शाह तुगलक बादशाह रहा करते थे। तो ये देख सकते हैं आप, बताते हैं यहाँ पहले 15 फीट ऊंची दीवारें हुआ करती थी इसकी, लेकिन अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। तो ये है रॉयल्स ऑफ पैलेस जहाँ फिरोज शाह तुगलक बादशाह रहा करते थे। और मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ ये दीवार, तो इसमें छेद देख रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से हुआ करते थे, यानी तीर कमान का यूज़ किया जाता था यहाँ से। तो ये देख सकते हैं आप, यह है रॉयल्स ऑफ पैलेस। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट जो घुमाने लाया हूँ वो है जामा मस्जिद। ये देख सकते हैं यहाँ की जामा मस्जिद है, ये तो बहुत बड़ी मस्जिद है। और इसी के बराबर में यह है अशोक स्तंभ। तो चलिए मैं आपको पहले जामा मस्जिद दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अशोक स्तंभ की कहानी बताएंगे। तो ये देख सकते हैं, यह है जामा मस्जिद और यह इसका जीना है ऊपर जाने का। तो चलिए अंदर ले चलता हूँ और अंदर से आपको दिखाता हूँ कि यह मस्जिद कैसी है और कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो दोस्तों, मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये देख सकते हैं, यह है यहाँ की जामा मस्जिद। तो शायद इस मस्जिद में नमाज भी होती है। तो मैं शूज़ उतार देता हूँ और चलते हैं अंदर। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी मस्जिद है, और उधर मेन रोड हाईवे है, और ये बहुत बड़ी मस्जिद है, देख सकते हैं आप इधर से। ये देखिए, चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है फिरोज शाह तुगलक किले की जामा मस्जिद, जहाँ नमाज भी होती है। और ये है मस्जिद का मेन फेस। तो छत तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नमाज होती है। और ये मिंबर है, देख सकते हैं आप,
और ये टाइम टेबल का भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, जो आप मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं टाइम टेबल भी लगा हुआ है। तो ये है यहाँ का नज़ारा और बहुत बड़ी मस्जिद है दोस्तों। यहाँ शायद ईशा की नमाज़ नहीं होती है, बाकी सारे वक्त की नमाज़ यहाँ होती है। ईशा और फजर शायद नहीं होती है, बाकी तीन वक्त की नमाज़ यहाँ होती है। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देख सकते हैं आप। ये है फिरोज़ शाह तुगलक किला की जामा मस्जिद। दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ। ये है अशोक स्तंभ, जो देख सकते हैं फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है। ये तीन मंजिल का बना हुआ है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, तो आप यहाँ जा नहीं सकते अंदर। टिकट पूरा लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है जाने का परमिशन नहीं है, तो आप जा नहीं सकते, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, देख सकते हैं। यह है अशोक स्तंभ। तो चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ का। दोस्तों यह है यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट, जो देख सकते हैं ठीक मस्जिद के बिल्कुल नीचे है, यानी इसी के छत पे मस्जिद बनी हुई है। तो यह है कुछ ऐसा, यहाँ पे लोग मन्नतें मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ जिन्नात का बसेरा होता है, तो इसमें लोग धागा बांध के जाते हैं और पेपर भी अपनी मुराद मतलब यहाँ मानते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, तो ये उस ज़माने में शायद जेल हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से, और ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा। तो ये हर गेट पे कुछ ना कुछ बंधा हुआ है और लोगों की मुरादें पूरी होती है। तो ये देख सकते हैं, ये है यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा, देख सकते हैं आप। तो लोगों का कहना है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा होता है और बहुत मान्यता है, यहाँ लोग आते हैं, मुरादें मानते हैं, और मुरादें उनकी पूरी होती है कि नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट, जो है बावली। तो ये देख सकते हैं कितनी गहरी है, और इसका पानी आज तक नहीं सूखा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये देख सकते हैं कितनी गहरी बावली है, और इसका पानी आज तक नहीं सूखा है। इसमें पाइप डाल करके आज भी मोटर से पानी खींचा जाता है। तो ये है बावली, जो देख सकते हैं आप, और इसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और अंदर अब एंट्री नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है बावली, जिसको जाल से पूरे तरफ से चारों तरफ से इसको घेर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देख सकते हैं इसको पूरा चारों तरफ से इसको घेर दिया गया है। दोस्तों एक बार मैं आपको ये पूरा किला दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ का नज़ारा है, कितना बेहतरीन नज़ारा है और कितनी ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छा किला है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के आसपास में यह है, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट है, तो आप आ सकते हैं और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हरियाली है और कितना बड़ा किला है, और अच्छी जगह है, फैमिली के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।